जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आज तारीख है 17/7/2024, दिन है आज बुधवार, सुबह के बज रहे हैं 8:30। हम हो चुके हैं रेडी, चलते हैं नीचे करते हैं पूजा पाठ। आ चुके हैं नीचे और आ चुके हैं अपना नाश्ता, नाश्ते में दिखाते हैं पीछे, और ये देख सकते हैं पूजा स्टार्ट हो चुकी है इससे, और अपना ब्रेड रोल और अपना चटनी और अपना देख सकते हैं चाय। तो यही आज का अपना नाश्ता तो करते हैं अपना, और करते टेस्ट आपको बताते हैं कैसा है ब्रेड रोल का। ये हमने चटनी से लिया और एक बाइट देख सकते हैं आप लोग, और ये गया अंदर और काफ़ी टेस्ट अच्छा है इसका खाने का, देख सकते हैं आप लोग, और काफ़ी टेस्ट है। और इसको करते हैं फिनिश और उसके बाद निकलते हैं काम पे। अपना फ़ोन आ चुका है गोदाम पे से, तो गोदाम पे ही चलेंगे और देखेंगे कहाँ आज भेज रहे हैं। तो ये अपना थोड़ा सा रह चुका है, इसको करते हैं फिनिश और निकलते हैं गोदाम के लिए, रवाना होते हैं। ये आज की अपनी चाय, तो चलते हैं गोदाम पे और करवाते हैं अपनी गाड़ी को लोड। गोदाम पहुंच चुके हैं, गाड़ी हो रही है हमारी लोड, और ये देख सकते हैं आज है मुहर्रम की छुट्टी, तो यहाँ पे मुहर्रम की तैयारी चल रही है देख सकते हैं आप लोग, और अपनी गाड़ी होगी लोड। ये लोग एक बैग डाल चुके हैं और बाकी डलवाते हैं बैग और निकलते हैं। गाड़ी लोड करा ली है, निकल चुके हैं, अपने को जाना है राजौरी गार्डन। तो राजौरी गार्डन के लिए अपनी गाड़ी हो चुकी है लोड और निकल चुके हैं, पहुँच चुके हैं कश्मीरी गेट। और आज है सरकारी छुट्टी तो रोड खाली मिलने चाहिए, देखते हैं 30,000 क्या है। 30,000 आ चुके हैं और 30,000 पे है रोड खाली, अंदाज़ा नहीं था पर आज है सरकारी छुट्टी के चक्कर में है रोड खाली। चलते हैं आगे, आगे काफ़ी आपको सफ़र कराते हैं। ये अपना 30,000 वाला रोड है, आ चुके हैं रोहतक रोड, देख सकते हैं रोहतक रोड पर आ चुके हैं, और अपनी आ चुकी है रेड लाइट। तो यहीं से अपना मारना है अपने को लेफ्ट और सीधा पहुँचना है राजौरी गार्डन के लिए। तो ये पूरा अपना टैंक रोड होते हुए अपना पूसा रास्ते से निकलेंगे हम, तो देख सकते हैं आप चौक राजौरी गार्डन पहुंच चुके हैं हम, और ये मार्केट राजौरी गार्डन की है देख सकते हैं आप लोग। और ये अपना आज की अमीरा के नाम से जो दुकान है वहीं अपना उतरेगा माल मेरा के नाम से। तो चलते हैं अपने काम उतरवाते हैं, माल उतरना स्टार्ट हो चुका है देख सकते हैं आप लोग, और अपना माल उतरवाते हैं और अब चलते हैं साइड में लगाते हैं खाना, क्योंकि अभी कोई पिकअप अपने पास नहीं आया है, तो साइड में लगाएंगे गाड़ी और खाएंगे खाना। तो साहब ने बिक्री थी कढ़ी, तो मैंने ले ली है कढ़ी, तो कढ़ी करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं कि कढ़ी का टेस्ट कैसा है। गाड़ी साइड में लगा दी है और आ चुका है खाना। तो खाने में आज हमारा आलू मटर गोभी की सब्जी और कढ़ी और अपना सलाद और अपनी रोटी और रायता। रायता मैंने लिया है पर उसमें गिलास लेना मैं उससे भूल चुका हूँ, तो ऐसे ही पी लेंगे इसको, कोई बात नहीं। और करते हैं कढ़ी, आपको बताते हैं टेस्ट करके कि कैसे बनी हुई है आज। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अपना आ चुकी है रोटी और अपना हमने ले लिया एक बाइट देख सकते हैं, और अपना करते हैं टेस्ट। तो ये आ चुका है अपना प्याज और गाजर का अचार, तो अपना बहुत ही काफ़ी अच्छी टेस्ट है कढ़ी का देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी मज़ेदार है। और अपना एक बाइट लेंगे सब्जी के साथ, तो करते हैं सब्जी के साथ टेस्ट और बताते हैं। ये देख सकते हैं सब्जी के साथ भी हमने कर लिया टेस्ट और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और अपना आ चुका है रायता, तो रायते को देख सकते हैं किस अंदाज में हम पियेंगे, क्योंकि गिलास है नहीं अपने पास। तो ये देख सकते हैं, ये हमने फाड़ा और ये अपना मुँह में लगाया, पिचकाया और आ गया मुँह में रायता। तो करते हैं इसको फिनिश। और दूसरा पिकअप आ चुका है अपना, दूसरा पिकअप जो आया हुआ है मोती नगर से आया हुआ है, तो मोती नगर चलते हैं अपनी गाड़ी करवाते हैं लोड और फिर निकलते हैं मोती नगर से। गाड़ी लोड करा के निकल चुके थे मोती नगर से देख सकते हैं आप लोग, और अपना आ चुके हैं जखीरा, जखीरा वाला फ्लाईओवर है ये अपना, इस पर चल रहे हैं हम और देख सकते हैं आगे चल के दिखाते हैं। थोड़ा जाम सा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है मुहर्रम का जो जुनूस है वहाँ पे इसी वजह से थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। तो आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हो रहा है जूस का जुनूस का वो। ये देख सकते हैं जुनूस, मेरे को मेरा जो आइडिया था वो सही निकला, और ये देख सकते हैं जुनूस निकल रहा है मुहर्रम का, इसीलिए थोड़ा जाम था और अब आगे खुला हुआ है। तो ये देख सकते हैं पहुँच चुके हैं मोतिया खान अपना पहाड़गंज, पहाड़गंज के लिए अपनी गाड़ी हुई थी लोड। तो देखते हैं, चलते हैं और अपना लगाते हैं गाड़ी और खाली करवाते हैं गाड़ी को। तो चलते हैं करवाते हैं गाड़ी खाली, गाड़ी खाली में यही माल हमारे 2 बोरे लोड हुए थे गाड़ी में, और अपना गाड़ी करवाते हैं खाली। और अपना तीसरा पिकअप भी आ चुका है, तो तीसरे पिकअप पे चलते हैं और अपनी करवाते हैं गाड़ी को लोड। तो इसको पहले अनलोड, तीसरे पिकअप पे आ चुके हैं, ये भी मोती खान से ही था, और गाड़ी में डल चुका है माल और डलवाते हैं माल, ये बंदा डल रहा है देख सकते हैं, और निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी में माल डाल के निकल चुके हैं, पहुँच ही अपना आ चुका है सदर बाजार वाला रोड, सदर बाजार से अपना निकलेंगे सीधा ईदगाह और आज़ाद मार्केट होते हुए अपना माल रोड होते हुए निकलेंगे, क्योंकि वही रास्ता अपना बेस्ट पड़ेगा आज़ादपुर के लिए। तो ये देख सकते हैं हमने पकड़ लिया है माल रोड वाला जो रोड था उसे, हमने यहीं ईदगाह से आगे थोड़ा सा चलेंगे तो माल रोड वाला रोड आ जाएगा, और ये अपना ईदगाह हम पहुँच चुके हैं देख सकते हैं आप लोग।
तो ईदगाह पे लगा हुआ जाम, और ये अपना आ चुका है पहाड़ी वाला रास्ता, देख सकते हैं आप लोग। तो इसे पार करते हैं और आगे चलते हैं, आगे का भी सफ़र आपको कंटिन्यू करवाते हैं। तो यहाँ थोड़ी चढ़ाई है तो गाड़ी बहुत धीमी धीमी चढ़ रही है, काफ़ी लोड नहीं है पर इसके हिसाब से। और ये देख सकते हैं आ चुके हैं माल रोड वाला रोड है ये पूरा, और यहाँ से सीधा अपना निकलेंगे अंडरपास होते हुए आज़ादपुर वाला। तो आज़ादपुर वाला अंडरपास आपको दिखाएंगे आज, हम पहुँचते हैं आज़ादपुर अंडरपास और आपको दिखाते हैं। आज़ादपुर वाला अंडरपास आ चुका है, देख सकते हैं हम अंदर घुसने जा रहे हैं, और यहीं से घुसते ही के साथ आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन आ जाएगा, वहीं उतरेगा अपना माल। तो उतरवाते हैं माल को और फिर देखते हैं चौथा पिकअप अपना आता है या नहीं आता है, जैसा भी है मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है। पहुँच चुके हैं, माल उतरना स्टार्ट हो चुका है और अपना चौथा पिकअप भी आ चुका है। चौथा पिकअप हमें लगभग 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा वहाँ से आया है, तो चलते हैं कोई बात नहीं, आज एंट्री फ्री है। तो निकल चुके हैं माल उतार के और सातवें तो चौथे पिकअप के लिए, और चलते हैं अपनी करवाते हैं गाड़ी लोड। तो हमारा जो पिकअप आया है रोशनारा रोड आया है, रोशनारा रोड से, तो रोशनारा रोड पर चलते हैं और अपना करवाते हैं गाड़ी को लोड। तो चलते हैं, ये गाड़ी लोड होना स्टार्ट हो चुकी है, रोशनारा रोड पर ट्रांसपोर्ट से हो रही है गाड़ी लोड। तो ये बंदे डाल रहे हैं माल, ये हमारी गाड़ी वो देख सकते हैं सामने लोड हो रही है, करवाते हैं और निकलते हैं। गाड़ी लोड करा के निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग रोशनारा रोड से, और अपने को जाना है आज़ाद नगर, ये पड़ेगा कृष्णा नगर में। तो कृष्णा नगर के लिए अपनी गाड़ी हो चुकी है लोड, चलते हैं करवाते हैं आगे का सफ़र कंटिन्यू। तो देख सकते हैं पहुंच चुके हैं बस अड्डे ISBC कश्मीरी गेट, जैसे कि आपने पहले ही देख सकते हैं लोड है, देख चुके हैं पहुँच चुके हैं कृष्णा नगर, और देख सकते हैं माल अपना उतरना स्टार्ट होगा अभी। यहाँ हमें लगा दी गाड़ी, और भूप सिंह यादव रसगुल्ले वाले हैं सामने, इनकी गाड़ी हमने लगा दी है, इनके रसगुल्ले यहाँ के मशहूर हैं। तो अपनी गाड़ी हमने खाली कर दी है और निकल चुके हैं, चलते हैं जिम। जिम में मारेंगे आज वर्कआउट, देखते हैं आज आपको मारना हमें बाइसेप्स, चलते हैं बाइसेप्स के एक्सरसाइज मारते हैं। जिम में आ चुके हैं और अपना वर्कआउट हमने स्टार्ट कर दिया है, और ये ब्लॉग हम यहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक शुभरात्रि, जय हिंद।